हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब हब। माय नेम इज विशाल कुमार एंड आज हम बात करेंगे IBPS RRB असिस्टेंट के प्री के एग्ज़ाम एंड उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। प्री में एज यू ऑल नो हमारे पास 80 क्वेश्चन थे जो कि हमें 45 मिनट्स में अटैम्प्ट करने थे। एग्ज़ाम एनालिसिस की बात करें तो मैथ का लेवल ईजी टू मॉडरेट रहा है एंड बच्चों ने ईजिली 30 से ऊपर क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। मैथ सेक्शन में ग्रुप अटेम्प्ट्स की बात करें तो वो रहेंगे 27 से 33 क्वेश्चन। रीजनिंग में भी कोई टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिला एंड इसका भी लेवल इजी टू मॉडरेट रहा है। इसमें बच्चों ने इजीली 33 से 38 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ओवरऑल ग्रुप अटैम्प्ट की बात करें तो वी कैन से अगर आपने 64 से 68 के बीच में क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। एज यू ऑल नो वैकेंसी इस साल लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई है। 2017 में जो 8928 थी वो इस साल घटकर सिर्फ 5249 रह गई है। सो वी कैन एक्सपेक्ट इंक्रीज इन द कट ऑफ दिस ईयर। अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो क्वांट में वी कैन से इट विल बी बिटवीन 11.52 से 12, वहीं रीजनिंग में 13 कट ऑफ जा सकती है। ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल की साल 60 से 69 के बीच में रह सकती है। कुछ स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, झारखंड में 69 टच कर सकती है, अदरवाइज इट विल बिटवीन 60 से 65 फॉर मैक्सिमम स्टेट। वहीं OBC की कट ऑफ के बारे में बात करें तो वो 57 से 63 के बीच में रहेगी इस साल। ST SC के लिए वो 50 से 53 के बीच में रह सकती है। अभी 2 दिन का एग्ज़ाम और होना है एंड वीकेंड से एग्ज़ाम में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे एंड लेवल भी सेम रहेगा। स्टिल मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा और शिफ्ट ख़त्म होने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। प्लीज़ टेल मी योर अटेम्प्ट्स इन कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम एंड रिजल्ट। थैंक यू।